हेलो एवरीवन। सो गाइस, कैट का फाइनल डेट आ चुका है। वी नो दैट कैट इज गोइंग टू बी ऑन द लास्ट संडे ऑफ नवंबर, एंड रजिस्ट्रेशन कल मतलब 1 जुलाई से चालू हो चुके हैं। सो आई वांटेड टू मेक अ वीडियो टू टीच द स्टूडेंट्स हाउ टू एग्जैक्टली फिल द फॉर्म, बिकॉज काफी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनका भी मैसेज आया दैट सर, ये फॉर्म में ये चीज नहीं समझ रही, वो चीज नहीं समझ रही, एंड दे आर अ लिटिल वरिड दैट इतना सारा इन्फॉर्मेशन मांगा है, कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ वहाँ गलत ना हो जाए। तो आई मेक दिस वीडियो, आई टीच यू एग्जैक्टली दैट किधर क्या 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 भरना है एंड कौन सी चीजें कहाँ पे क्या सिलेक्ट करनी है। फॉलो दिस वीडियो कम्प्लीटली। ऐसा रहेगा तो लैपटॉप पे फॉर्म भरो और मोबाइल पे ये वीडियो देखते रहो, जस्ट पॉज इट और हर एक स्टेप वैसे वैसे कंप्लीट करते जाओ। इट इज अ वेरी इजी प्रोसेस, अ लॉन्ग प्रोसेस आई मस्ट से। मैं खुद फॉर्म भर रहा था, मुझे अप्रोक्सीमेटली 35 से 40 मिनट्स लग गए, सब डेटा कलेक्ट किया यहाँ से, या मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, बाद में वो डॉक्यूमेंट्स खोल खोल के मार्क्स देखने पड़े, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेशन, तो ऐसा काफी कुछ है। एंड द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग थिंग, आई शो यू दैट वॉट इज द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग एंड दी स्लाइटली अनोइंग थिंग। चल बिफोर वी स्टार्ट, आई रिक्वेस्ट यू गाइज जस्ट क्लिक ऑन द लाइक बटन, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। सो आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। सो कैट का 2024 का कैसे फॉर्म भरना है, दिस द वीडियो। तो यू हैव टू गो टू द वेबसाइट iimcat.ac.in। आई टाइप इट आउट हियर फॉर यू गाइज सो दैट यू डोंट गेट वरीड। अगर तुम्हें नहीं पता तो फिर तुम सीधा cat24 गूगल पे भी टाइप करोगे, डायरेक्ट सबसे पहली लिंक यही आएगी, iimcat.ac.in। दिस इज वॉट इट इज, ठीक है, ये वाली वेबसाइट है। उसके बाद द नेक्स्ट पेज दैट यू विल फाइंड, तुम्हें यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है, एंड न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में जाके दे विल आस्क योर डिटेल्स। नाउ दिस इज जस्ट टू मेक योर अकाउंट, ये अकाउंट जैसे तुम्हारा बन जाएगा प्लीज संभाल के रखना तुम्हारी डिटेल्स। इसमें तुम्हारा ईमेल आईडी, तुम्हारा पर्सनल मोबाइल नंबर डालना जो तुम्हारे पास ऑल टाइम हो। अगर मोबाइल नंबर में कुछ प्रॉब्लम है मत डालना, बिकॉज इसमें बाद में एडिट नहीं हो पाएगा। ईमेल आईडी एक बार 100% चेक कर लो तुम्हारे पास ये ईमेल आईडी का एक्सेस है, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग एंड कंप्लेनिंग सर मेरा ईमेल आईडी का एक्सेस चला गया, मैं पासवर्ड भूल गया सर, वो मोबाइल नंबर इनएक्टिव हो गया। डोंट यूज सच मोबाइल नंबर, जो तुम्हारा परमानेंट है वही यूज करो, बिकॉज ये बाद में चेंज नहीं होगा। तो ये जैसे ही तुम कर दोगे तो यू हैव टू फिल द नीचे वाला कैप्चा एंड तुम्हारा फाइनल रजिस्ट्रेशन बन जाएगा, जैसे तुम्हारी सारी डिटेल्स तुम्हें दिख जाएंगी। फाइनली बाद में ये आ जाता है पर्सनल डिटेल्स वाला फॉर्म। दिस इज अ वेरी लॉन्ग फॉर्म जिसमें अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा नाम से लेके बाकी सब चीजें वो लोग पूछते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट दे आस्क। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भर के फाइनली व्हाट यू हैव टू डू इज ऑल्सो फिल योर पासपोर्ट एंड योर सिग्नेचर, इन दोनों का एक एक फोटो डालना है। मेक श्योर दैट द इमेज इज लेस देन 1 MB, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट लेस देन 1 MB होना चाहिए फाइल साइज। अगर नहीं हो रहा है देन देर इज अ वेरी सिंपल वेबसाइट, अगर तुमने मोबाइल से फोटो निकाल रहा है अपना सिग्नेचर का, या फिर अगर समझो तुम्हारे पास फोटो नहीं था पासपोर्ट साइज, तुमने मोबाइल से एक व्हाइट बैकग्राउंड में सेल्फी ले ली, तो फिर इट्स ओके, यू कैन यूज दिस वेबसाइट tinyjpeg.com। ये tinyjpeg.com, इससे तुम्हारा इमेज साइज छोटा हो जाएगा, इमेज क्वालिटी नहीं बिगड़ेगी, ठीक है। एंड अगर तुम्हें और छोटा करना है इमेज को, आई अंडरस्टैंड दैट नाउडेज फोन्स आर ऑफ बिगर रेजोल्यूशन, तो तुम सीरियसली और कुछ नहीं, जस्ट एमएस पेंट में जाके यू कैन चेंज द डायमेंशन ऑफ द फोटो। तुम छोटा कर दोगे तो फोटो की साइज कम हो जाएगी। यू नीड द साइज 1200 बाई 1200, मतलब मैक्सिमम हाइट 1200 होनी चाहिए, ट्राई टू एम फॉर दैट, एंड फाइल साइज 1 MB तक, दैट इज वॉट यू नीड, ठीक है। एंड दिस इज 1200 बाई 1200 पिक्सल्स। ये बनाना बहुत सिंपल है, ट्रस्ट मी तुम पेंट में भी कर सकते हो। चलो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे आ जाएगा गाइस तुम्हारी सारी डिटेल्स जो तुमने भरी हुई है। उसके बाद आ जाएगा एकेडमिक्स, पर्सनल डिटेल्स वाला पार्ट खत्म होगा। एकेडमिक्स में तुम्हारा 10th 12th ग्रेजुएशन, और अगर तुमने मास्टर्स किया है, जैसे मैंने मेरा MBA कर लिया है, तो तुम मास्टर डिटेल्स चाहो तो डाल सकते हो, नहीं डालना तो भी चल जाएगा। आई सजेस्ट अगर तुमने मास्टर्स किया है तो डाल दो, बिकॉज दैट विल गिव यू एन एडिशनल एज ओवर दी अदर पीपल। अगर मास्टर्स का तुम्हारा स्कोर भी अच्छा है तो तुम्हें शॉर्टलिस्टिंग का चांस और बढ़ जाता है। सो एंटर योर मास्टर्स डिटेल्स। अगर CA CFA या फिर तुमने एक्चुअरीज का कोई कोर्स किया हुआ है तो उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन वो लोग मांगेंगे, ठीक है। नाउ वी कम टू द वर्क एक्सपीरियंस पार्ट। वर्क एक्सपीरियंस पार्ट में गाइस दिस इज वेर यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। यहाँ पे जरा सा भी यहाँ वहां नहीं चलेगा, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तुम्हारा वर्क एक्स विथ द डेट तुम्हें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। इफ यू आर सीइंग दिस, वहां पे वो डेट भी मांगते हैं, स्टार्ट डेट, एंड डेट, एंड ब्रेक्स इन एक्सपीरियंस। अगर तुमने बीच में ब्रेक लिया, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 महीने का ब्रेक ले लिया, ये तुम्हारे सर्टिफिकेट में मैंशनड है, तो तुम्हें यहाँ पे ब्रेक इन एक्सपीरियंस लिखना पड़ेगा,
ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दिस. इफ एट ऑल यू हैव वर्कड इन वन ऑफ दीज इंडस्ट्रीज, लाइक फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज. मैं HDFC बैंक में था जनवरी से लेके मार्च तक, बाद में मैंने जॉब छोड़ी मार्च में, और बाद में अप्रैल में मैं कुछ नहीं कर रहा था, जून से मैंने वापस चालू किया. तो मैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में ही डालूंगा, मैंने जून से अगस्त तक काम किया. तो माई एक्सपीरियंस स्टार्ट डेट विल बी जनवरी, एंड डेट विल बी अगस्त, एंड बीच में ब्रेक इन एक्सपीरियंस विल बी 2 मंथ्स, दैट इज 60 डेज का ब्रेक इन एक्सपीरियंस आ जाता है, जितना टाइम मैं कुछ नहीं कर रहा था. उन्होंने इंडस्ट्री वाइज मांगा है, कंपनी वाइज नहीं. सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दिस. दिस इज द अनोइंग पार्ट. अब ये इतना लंबा स्क्रीनशॉट था दैट मेरा स्क्रीनशॉट, मेरा ऐप यूज करके भी मेरा इतना लंबा स्क्रीनशॉट नहीं आ पाया, तो इसीलिए थोड़ा ब्लर हो चुका है. दिस इज बेसिकली द सिलेक्शन वाला पार्ट. इधर प्रोग्राम सिलेक्शन आता है. तो प्रोग्राम सिलेक्शन है, तुम कौन से कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसमें कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो. तो इसमें गाइज अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, सारी कॉलेजेस में PGP कोर्स होता है, विच इज द प्रॉपर MBA कोर्स. PGP HRM और PGP बिजनेस एनालिटिक्स नए कोर्सेज है, विच आर ऑल्सो MBA कोर्सेज. बाद में आते हैं एडिशनल कोर्सेज. वॉट आर दीज एडिशनल कोर्सेज, आई विल राइट डाउन योर. मैं यहाँ पे तुम्हें लिख के बताता हूँ. लाइक फॉर एग्जाम्पल देर इज अ PGPX. PGPX कोर्स इज फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स. वो एग्जीक्यूटिव MBA है. एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए तुम्हें एटलीस्ट 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, अदरवाइज तुम नहीं अप्लाई कर सकते. पीजीपी एचआरएम इज अ स्पेशलाइज्ड थिंग ओनली फॉर एचआर. बाद में देर आर अ लॉट ऑफ फेलोशिप स्लैश पीएचडी प्रोग्राम्स. फेलोशिप मतलब पीएचडी जैसा ही होता है, यू बेसिकली आर ट्राइंग टू बिकम अ फेलो. ये 3 साल का कोर्स होता है. अगर तुमने अपना मास्टर्स किया हुआ है उसके बाद ही तुम पीएचडी कर सकते हो, उसके बाद उसके वो छोड़ के तुम नहीं कर सकते. एज अ ग्रेजुएट डोंट अप्लाई टू इट. तो जस्ट बिकॉज सारी कॉलेजेस है सारों को तुम अप्लाई कर रहे हो, वैसा मत करना. प्लीज गो थ्रू इट, टेक योर टाइम. मैंने वो पेज पे लिटरली, ऑल्दो आई एम नॉट इवन प्लानिंग फॉर एन एडमिशन, मैंने वो पेज पे ध्यान से देख देख के एटलीस्ट 20-25 मिनट बिताए. एंड तुम्हें हर एक के साथ उनका सिटी, कौन सा सिटी तुम्हारा प्रेफरेंस है इंटरव्यू का, वो भी डालना पड़ेगा. सो इट्स रिलेटिवली लॉन्गर प्रोसेस, बट डेफिनेटली यू शुड नो दैट कौन सी चीज क्या क्या है. ये 3 चीज. एंड देर इज ऑल्सो FABM. FABM इज फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट एंड PGPSM और मास्टर्स इन MADSM. ये बेसिकली MADSM या NDMSM. दी SM जिसमें भी आता है दैट इज सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट का कोर्स. वो एक बहुत नीश कोर्स है सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट. इफ यू आर प्लानिंग टू गेट अ जॉब ओनली इन SM तो ही वो लेना, अपार्ट फ्रॉम दैट मत लेना. ठीक है, फॉर ऑल ऑफ यू, FABM में मोस्ट कॉलेजेस में, नॉट ऑल बट मोस्ट कॉलेजेस में प्लेसमेंट प्रोसेस नहीं होता. सो समझो अगर तुम बोलो दैट फैमिली बिजनेस मेरा है करके मैं एडमिशन ले लूँ बाद में प्लेसमेंट तो हो जाएगा, वैसा नहीं है हर जगह पे. सो FABM फैमिली बिजनेस के लिए है, उसमें वो लोग सिर्फ तुम्हारा बिजनेस कैसे मैनेज करना है वो बताते हैं, प्लेसमेंट प्रोसेस उनका नहीं होता. सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर सिलेक्टिंग योर एग्जाम्स, बिकॉज कोई भी एग्जाम कैसे भी, कोई भी कोर्स, कोई भी प्रोग्राम कैसे भी सिलेक्ट मत कर देना. ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन. तो जैसे ही तुम ये कर दोगे उसके बाद टेस्ट सिटी तुम सिलेक्ट कर सकते हो. नाउ यू विल हैव टू बी अ लिटिल स्मार्ट वाइल सिलेक्टिंग योर टेस्ट सिटी. आई अंडरस्टैंड इफ यू आर फ्रॉम अ रिलेटिवली रिमोट एरिया, तुम्हें सिटीज जो तुमसे थोड़ी दूर दूर है वही सिलेक्ट करनी पड़ेंगी. बट यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम मुंबई. तो मुंबई के आजू बाजू जो छोटे 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 शहर है, जो मुंबई का ही पार्ट हम गिन लेते हैं, उनको मैंने एज डिफरेंट सिटीज सिलेक्ट किया है. लाइक फॉर एग्जाम्पल मुंबई, थाने, नवी मुंबई. मुंबई में मैं रहता हूँ, 15 किलोमीटर दूर थाने हैं, 14 किलोमीटर दूर नवी मुंबई है, और 20 किलोमीटर आगे गया तो फिर रायगढ़ आ जाता है. इट इज दैट सिंपल. तो नजदीक नजदीक वाले एरियाज ही सिलेक्ट करो, सो दैट तुम्हें ज्यादा दूर ना जाना पड़े. पुणे, इट्स बिकॉज इट्स द नेक्स्ट सिटी आफ्टर मुंबई जो अच्छा खासा है, तो इसलिए मैंने पुणे फोर्थ प्रेफरेंस डाला है. सो दिस इज माई प्रेफरेंस, यू गाइज कैन चूज योर प्रेफरेंस बेस्ड ऑन वेयर यू स्टे. बट या आई रिकमेंड दैट तुम्हारे नजदीक वाले ही लेना. आई हैव सीन पीपल, सर मेरा दूसरा घर सूरत में है करके मैंने सूरत में दूसरा डाला है. आई एम लाइक कि नहीं, तुम ट्रैवल करने में पागल हो जाओगे. प्लीज मेक श्योर दैट तुम्हें जितना कम ट्रैवल हो सके उतना कम ट्रैवल करो. अगर तुम्हारे पास ये ऑप्शन नहीं है तो जिस दिन एग्जाम होगी उसके पहले वाले दिन ही सेंटर पे पहुंच जाना, सेंटर के आजू बाजू कोई होटल या किसी के घर पे रह जाना. ठीक है, एंड फाइनली दिस इज द पेमेंट पेज. ये पेमेंट पेज यू हैव टू जस्ट सिलेक्ट में कौन सा पेमेंट करना है. तो बिकॉज आई एम एन ओपन कैटेगरी स्टूडेंट, मेरे लिए फीस वॉज 2500 रुपीज. फॉर रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स द फीस इज 1250 रुपीज. ओपन इज 2500 एंड
रिजर्व के लिए 1 to 50 है। सो दिस इज द ओवरऑल फीस फॉर द कैट एग्जाम। इट्स अ कॉस्टली एग्जाम, बट ट्रस्ट में ये एग्जाम देना जरूरी है एंड दिस इज एन एग्जाम दैट विल डेफिनेटली गिव यू अ बेटर रिटर्न इन द फ्यूचर। तो प्लीज नाउ दैट वी आर एट दिस स्टेज जहां पे तुमने कैट का फॉर्म होपफुली अब ये देख के भर दिया है, प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइज आर स्टडिंग प्रॉपरली। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू नीड एनी हेल्प तो क्रैकेविटेस का ग्रुप है जिसमें हम फ्री में सम्स और फ्री में मटेरियल डालते रहते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर तुम्हें कोई भी स्ट्रैटेजी रिलेटेड डाउट है तो हम वहाँ पे सेशंस भी कंडक्ट करते हैं। इफ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम क्रैकेविटेस प्लीज पुट इट डाउन इन द कॉमेंट्स। आई विल वेट फॉर द कॉमेंट्स। बाय एवरीवन।